Hello guys, welcome back to my channel. It's KDN here with another vlog. Please take a minute and subscribe below to my channel. So आप लोगों को जो मैंने बताना था सरप्राइज क्या था, सरप्राइज अब आप लोग के सामने है. आज जो है भाई का बर्थडे एंड भाई की ग्रेजुएशन पार्टी है. भाई का एडवोकेट भाई एडवोकेट बन चुके हैं. भाई की LLB की डिग्री कम्प्लीट हो चुकी है गाइज. सो बाकी हम आपको आगे सबसे मिलवाते हैं और दिखाते हैं. ओके गाइज, सो अब आप देख रहे हैं वेलकम बैक टू माई चैनल. और अभी जो है आई एम बीइंग सो मच इतनी जल्दी जल्दी में तैयार है. हमारे तैयार होने से पहले मेहमान आ चुके थे. आई शो यू, मैंने तो जूती भी नहीं पहनी गाइस. आई शो यू, लेट मी शो यू एवरीवन. सब आ चुके हियर इज एवरीवन. एवरीवन इज सीरीज एंड हियर इज माई सैंडल. चले अब मैं अपनी जूती भी पहन लूँ. जूती का ट्रैजिक सीन हो गया. आंटी इज हेल्पिंग मी आउट. थैंक यू आंटी. गेस्ट तेरा की आवाज दे रही है, इतनी खूबसूरत हो रही है गाइस. आवर स्पेशल गेस्ट इज हियर. अभी मैं आपको बारी बारी सबसे मिलवाती हूँ. सबसे क्यूटेस्ट ब्यूटीफुल गेस्ट है अभी देखिए भाई का रिएक्शन क्या होता है. आप कुछ बोलना चाहेंगे तो वो भाई के सरप्राइज के लिए कुछ बोलना. ये स्टैचू बन के डियर भाई क्या अच्छा दे रही हूँ रोना किंजाबाजी करते मेरे चैनल पे लाइव जा रहे हैं. केविन भाई के पास उपकार नहीं है बोलने को. Hi, too much. Gorgeous ladies. Oh, no. Chriselle, say hi. Storm. Say hi. Say hi. Say Kaju, okay. Say Kaju. No boo-boo time. No boo-boo time. So we have some special guests here. Hi. ये मेरे सबसे मेन गेस्ट आओ ना भाई. आज इनका दाल गिरा है. मुबारकबाद. मैंने बोला ग्रेजुएशन देंगे. दो दिन हमारे लिए बड़े खास है. टू डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हमारे मरने. अच्छा वो तो मैंने आपको बता दिया. अच्छा पीछे मेरी आवाज लेट पहुंच रही है. तो पहला दिन तो हो गया बर्थडे का दिन. दूसरा दिन आइंस्टाइन कहते हैं टाइम का मैं बजलेटी बांगू पर रेकॉर्ड करेंगे. कहते हैं जिस दिन हमें पता चलता है मेरे पैदा होने का मकसद क्या. द डे आई नो जाइश फजान इस ग्रुप का हिस्सा है. और मेरे बहुत सारे बच्चे केट का भी केट है और हमारा इश्मेल है. ये और बाबी लजली ये है मेरे ग्रुप का हिस्सा है. क्योंकि इन्होंने अपने मकसद को पहले दिन जान लिया कि खुदा ने इनको बनाया क्यों. आप इनके इनको शुक्रिया अदा करें खुदा का. खुदा शुक्र है ये अच्छा हो गया नहीं गया. आज वकील साहब ना होता कैमी नहीं होता है. ये नहीं है निके काम नहीं करता. इससे बड़े बड़े काम कर निके निके काम. हम डॉक्टर हैं. जब हम लोगों ने बहुत बड़ी दुआ रखी. जब हम 5 नंबर पे रहते थे मेरे US का वीजा लग गया. मेरे पास टिकट आ गई थी. 3 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी. लेकिन जब
तीन दिन पहले मुझे काउंसलर से फिर कॉल आई कि आपका री इंटरव्यू होना है, आप अपना पासपोर्ट लेके जो आपका स्टैंप लगा हुआ है वापस लाएं, काउंसलर एक दफ़ा और आपको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो हम कराची से, हम लोग 11 लोग थे, बाकी 12-13 लोग इस्लामाबाद से थे। जो इस्लामाबाद वाले थे इस्लामाबाद गए, कराची वाले कराची आए। तो हम काउंसलेट में गए, ये गालिबन बात है 16 जुलाई की, 18 या 19 जुलाई को मेरी फ्लाइट थी। तो मैं 16 जुलाई को दोबारा काउंसलेट गया, तो हम बारी बारी हमारे इंटरव्यू शुरू हुए। हम 11 लोग थे, तो 11 में से पहले एक का हुआ, दो का हुआ, तीन का हुआ, चार का हुआ, वो सब खुशी खुशी हाँ निकल गए कि हाँ कि हमारा ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब पांचवा बंदा जब मैं आया, मैंने इंटरव्यू फिर से दिया, तो पता नहीं उनको क्या हुआ, तो उन्होंने बोला अपना पासपोर्ट आप हमें दें, हम आते हैं 2 मिनट में वापस। 3 काउंसलर बैठते उस टाइम पे, तो वापस वो काउंसलर गए, जब आए तो बोलते हैं सॉरी वी कैन नॉट ग्रांट यू एंट्री एट दिस मोमेंट, उसने मेरे वीज़ा पे कैंसिल का टप्पा लगा दिया। मैं फिर आया हूँ वहाँ से इंटरव्यू रूम से बाहर आके, मैं जो काउंसलेट का कंपाउंड बना था वहाँ पे आके मैं बैठ गया। तो खैर वही मेरी मतलब मैंने कभी भी खुदा से गिला नहीं किया, मेरी ज़िंदगी में कभी भी कुछ हुआ। तो मैं जब बैठा हुआ था कंपाउंड में, तो मेरे मैंने इन भैया डॉक्टर डैनियल और सर टोनी अंकल लोग बचपन से रहा हूँ, तो अक्सर लोग गवाहियाँ इसी तरह सुनी है कि वो अपनी तंगी में भी अपनी बीमारी में भी खुदा का शुक्र करते हैं। मैं कंपाउंड में आके बैठा हूँ, मैं वहाँ पे रो रहा था, मैंने लेकिन मेरे मैंने वहाँ एक चीज़ दोहराता रहा, मैंने कहा थैंक यू जीसस खुदा तेरा शुक्र हो, क्योंकि मैं जानता था कि खुदा का इसमें कोई मनसूबा होगा बेहतर। तो मैं वहाँ से वापस आ गया, वक्त गुजरता रहा। तो शायद बात सही है कि आज जो मैं हूँ वो मैं नहीं होता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर मैं चला जाता कभी वापस नहीं आता, और मेरे साथ के गए हुए जितने भी लोग थे वो वापस नहीं आए, वो वहाँ पे भटक रहे ऐसे ही कभी इधर, कुछ उनका बस प्रॉपर काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो वहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन खुदा ने मुझे एक साल में ही, मैंने सोचा नहीं था कि मैं वकालत के पेशे में आऊँगा, लेकिन हमेशा से मुझे शौक था इसका, या कभी भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का या अपनी कौम को उसकी खिदमत करने का। तो अचानक से 2018 में कुछ मेरे साथ हुआ और मैंने रैपिडली एक अपनी डिग्री में इनरोलमेंट करी, और वक्त गुजरता गया और मैंने ये 3 से 4 साल में डिग्री कर ली। अच्छा मजे की बात, क्योंकि मेरा तकवल हमेशा खुदा पे रहा, मैं बड़ा निकम्मा आदमी हूँ, मतलब आप लोग मेरे से बड़े अच्छे हो गए, आप लोग अच्छा समझते हो गए, दिमाग भी आप लोग अच्छा हो गया, यकीन मैं कसम खाता हूँ इस बात की। लेकिन क्योंकि शायद खुदा मेरे साथ चलता रहा, मैं काम में इतना एफर्ट भी नहीं करता रहा, तो ख्वाह किसी भी किस्म का काम हो, वो पढ़ाई हो, वो रोजगार हो, मैं इतना एफर्ट नहीं किया, लेकिन खुदा ने मुझे उसका 10 times ज्यादा दिया। तो आप लोगों को भी बस आपको मैं ये आज एक अपनी गवाही शेयर करूंगा कि हमेशा आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, अंधेरा हो, बस खुदा पर तवक्कल रखें, उसके साथ चलते रहें, और वो आपकी जिंदगी में फिर बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि उसके जो प्लान होते हैं वो हमें हार्म करने के लिए नहीं, प्रॉस्पर करने के लिए होते हैं। और उससे बढ़कर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, क्योंकि अगर वो यीशु को नहीं भेजता, तो अक्सर आप लोग यहाँ पे जो लोग हैं, मेरी बायोलॉजिकल फैमिली नहीं है, वो मेरी स्पिरिचुअल फैमिली यीशु की तवसल से आप लोग मेरे दोस्त हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ अपने माँ बाप के लिए, जिन्होंने सेक्रीफाइस करके मुझे बनाया, मुझे ईमान का तोहफा दिया, आप सब प्यारे प्यारे लोग जो बेलौस मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं भी आपसे बेलौस मोहब्बत करता हूँ। तो अभी तो खैर कुछ भी नहीं, जिंदगी में मेरा एक स्टेप था, अभी तो शायद ये सफर शुरू हुआ है, तो मुझे आगे आप लोगों की दुआओं की जरूरत रहेगी कि मैं फजल में चलता रहूँ, और जो खुदा का मकसद है जो कि अभी शायद शुरू हुआ है, वो पाया तकमील तक पहुँचे। इन जीसस नेम, थैंक यू। थैंक यू मम्मा पापा केट किंजा अलीशा भाई और आप सब लोग जिन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मुझे दोपहर तक मुझे नहीं पता था ये सरप्राइज है, क्योंकि काफी हलचल होने लगी थी दोपहर में, बड़ा ऑब्वियस हो गया था उस टाइम में। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया, और आप सबका थैंक यू कि आप सब मेरी खुशी में Now we record भाई reaction के भाई केक के सर का।
एडवोकेट केवल नींदे को हमने कितनी मेहनत की है सब कुछ वेरी नाइस थैंक यू सो मच माय आइडिया ये हमारी डिवाइन होप यू ग्रैब इट व्हाट आई क्रिएटेड डिजाइन मगर ये वाओ इसमें ये सब रियल अपना आर्ट है रियल ड्रॉइंग इससे और ज्यादा क्रिएटिविटी मेरी पास अभी जो है केक कटिंग स्टार्ट होने वाली है इतना शोर है पीछे हम लोग को आवाज आ रही होगी मैं भी आपको बैठी खाती हूँ मुझे भी नहीं बचा नहीं बचा नहीं बचा नहीं बचा नहीं बचा ये बहुत